तो अभी लास्ट टाइम हम सीख रहे थे विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में, और विंडोज एक्सप्लोरर में हमने दो चार चीजें जो रह गई थी उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं कि हमारे पास सर्च का ऑप्शन, ये सर्च का ऑप्शन भी हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस फोल्डर में मैं मौजूद हूँ उसका नाम है डॉक्यूमेंट्स। अब इस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में मुझे क्या क्या सर्च करना है वो मुझे देखना है। थोड़ा सा इसका वॉइस में जरा सेट कर लेता हूँ, सही है, और यहाँ पर भी आवाज सही आ रही है। तो भैया मुझे आइडिया नहीं है इतने फाइल एंड फोल्डर में मैं जो सर्च करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ जाके उसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने राशिद लिख के यहाँ पे क्लिक किया और इसने राशिद के नाम से जितने डॉक्यूमेंट्स एंड फोल्डर्स थे वो मुझे सारे के सारे सर्च करके यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा दिए, और जहाँ जहाँ भी राशिद लिखा हुआ आ रहा है ये उसको सर्च करके मुझे बताता जा रहा है। देखिए कितना आसान कर दिया ये, इस तरह का काम हो गया कि आप एक लाइब्रेरी में गए और एक किताब ढूंढ रहे, और किताब को ढूंढने में वन बाय वन में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमने इसको सर्च का ऑप्शन दे दिया और इसने वो हमें सारे सर्च करके दे दिया। अब राशिद के नाम से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, वो सब आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला ये हुआ कि अब आप उस लाइब्रेरी में गए और आपने कहा इंग्लिश, इंग्लिश की सारी बुक्स का शेल्फ आपके सामने आ गया जिसमें 150-200 इंग्लिश की बुक थी। पर अब इंग्लिश की भी तो कोई आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए होगी ना। अब जब हम स्पेसिफिक सर्चिंग के ऊपर आते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इंटेलिजेंट इस सेंस में होना पड़ेगा कि अब तक हमने कुछ प्रोग्राम सीखे हैं सॉफ्टवेयर टाइप के बारे में, सॉफ्टवेयर फाइल टाइप, सॉफ्टवेयर फाइल टाइप्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखें अब तक आपने जो प्रोग्राम चलाना सीखे छोटे से, वो एक था नोटपैड चलाना सीखा और आपने एक वर्डपैड चलाना सीखा, एंड आई नो कि आपको एमएस पेंट भी चलाना आता ही होगा। आता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ और इमेजेस भी आप ओपन कर ही लेते हैं, वीडियोस भी आप देख ही रहे हैं क्योंकि ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नोटपैड की फाइल टाइप क्या होती है याद कर लें, .txt। वर्डपैड की फाइल टाइप क्या होती है, .rtf। एमएस पेंट की जो टाइप होती थी शुरू में वो होती थी .bmp, और इमेजेस की जो टाइप होती है वो दो तीन है, एक है .jpg, ठीक है, और दूसरी है .png, .jpeg, ठीक है, .gif, ये सारे इमेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। और अगर वीडियोस की बात की जाए तो .mp4, ठीक है, और अगर ऑडियोज की बात की जाए तो इनकी टाइप मोस्टली होती है .mp3 और .wav, ठीक है। ये वो फाइल की टाइप्स हैं जिनको आप मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। नोटपैड की फाइल में .txt का टाइप होता है, वर्डपैड की फाइल में .rtf का टाइप होता है, एमएस पेंट की फाइल में .bmp का टाइप होता है, ये सारे टाइप्स होते हैं। ये आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं, याद होने चाहिए आपको, सही है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको कैसे सर्चिंग के ऊपर लेकर आना है। अब हमने कहा इंग्लिश की बुक थी, अब इंग्लिश की बुक में हम कह रहे हैं कि फला ऑडिशन की या फला एडिशन की या फला राइटर की बुक चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमें खाली .txt फाइल्स दिखाओ। कौन सी फाइल दिखाओ, .txt। तो हम यहाँ पे जाएंगे, static.txt इस तरह से लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ आपको, इधर ही आ जाए, और यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में लिख देंगे static.txt। तो ये देखें सारी टेक्स्ट फाइल ले आया, देख रहे हैं, कोई भी इसमें से ऐसी फाइल नहीं होगी जो इमेजेस की होगी, वीडियोज की होगी, कोई भी नहीं होगी। सारी फाइल कौन सी ले आया, टेक्स्ट फाइल ढूंढ के ले आया, देखा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो इसको भी आप कैसे सर्चिंग मेथड में लिखेंगे, static.rtf, और ये देखें सर्चिंग मेथड में जाके मैं लिखूंगा तो ये सारी वर्डपैड की फाइल ढूंढ के लिए आएगा जो जो इसको मिलेगी। नोट कर रहे हैं आप, आ रही बस समझ में, देखिए फाइल तो सर्च कर ली थी हमने राशिद के नाम, बहुत सारी ले आया, लेकिन मैंने कहा नहीं अब मुझे सिर्फ वर्डपैड की फाइल दिखाओ, मुझे सिर्फ नोटपैड की फाइल दिखाओ, हाँ ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कहते हैं सिर्फ वीडियो फाइल्स दिखाओ MP4 वाली, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया .mp4, तो ये देखें सारी .mp4 फाइल्स ले आया ढूंढ के जी। RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वर्डपैड की फाइल की टाइप है, ठीक है। तो ये देखें सारी की सारी कौन सी फाइल्स ले आई है, MP4 की वीडियो फाइल्स ले आया। सिमिलरली PNG फाइल्स को आपको सर्च करना है, जो इमेजेस की फाइल होती है, ये याद कर लें कौन सी फाइल किस टाइप की होती है, PNG, JPG, ये इमेजेस होते हैं, ये वीडियो की फाइल होगी, ये ऑडियो की होगी, ये टेक्स्ट होगी, ये वर्डपैड की फाइल होगी, ये देखें सारी की सारी इमेजेस ढूंढ के लिए आया आपके लिए PNG में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको आइडिया है
कि राशिद के नाम से कोई इमेज है, राशिद के नाम से कोई इमेज है, तो राशिद के आगे या तो डॉट जेपीजी लगा दें, डॉट पीएनजी लगा दें, या डॉट जेपीजी लगा दें, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्चिंग मेथड में जाके लिखा सपोज टू बी, अब फाइल के नाम राशिद डॉट जेपीजी, क्या इस नाम से कोई फाइल है? कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे मैंने जाके सर्चिंग मेथड में डाल दिया। तो यहाँ पे देखें, राशिद आईटी प्रोफेशनल राशिद अंडरस्कोर चेक लिस्ट डॉट जेपीजी के नाम से फाइल है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसके आगे लगा देता हूं स्टैरिक डॉट स्टैरिक, तो ये अब लेकर आ रहा है वही फाइल्स लेकर आ रहा है, सेम ही लेकर आ रहा है। और अगर मैं इसके आगे पहले लगा देता हूं स्टैरिक डॉट, तो नॉट फाइंड आ गया। अब नॉट मैच क्यों आ गया, यहां पे समझिए। जब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं राशिद डॉट जेपीजी, तो भाई अगर किसी फाइल में डॉट जेपीजी है लेकिन उसमें राशिद अली लिखा हुआ है, राशिद आईटी प्रोफेशनल लिखा हुआ है, या जो भी लिखा हुआ है, पर राशिद है तो वो ढूंढ के लिए आएगा। लेकिन जब मैं इससे पहले लगा दूंगा स्टैरिक डॉट, मतलब स्टैरिक डॉट का मतलब हो जाएगा कि अब जिसका नाम राशिद डॉट जेपीजी हो सिर्फ उसी को ढूंढ के लाना, राशिद आईटी या राशिद की स्पेलिंग में कोई हेर फेर हो तो उसको सर्च नहीं करना, मतलब बिल्कुल आप स्पेसिफिक हो जाएंगे नाम से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मामलात आपके सर्चिंग मेथड में क्लियर हो रहे होते हैं। समझ में आया सर्च बॉक्स का काम और ये सर्चिंग मेथड और फाइल की टाइप समझ में आई? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें बेटा आगे से। हाँ, अभी अभी की बात करो, पिछले को छोड़ो। आ रहा है सही? चलें अब चलते हैं आगे। तो ये लास्ट में आते, लिखिए तो याद करने के लिए लिखिए ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। इसके ऊपर हम यहाँ से आते हैं होम टैब के ऊपर। तो यहाँ से हम आ गए होम टैब में, और होम टैब में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, इसे हम कहते हैं एड्रेस बार। क्या कहते हैं? एड्रेस बार। अब बेसिकली ये एड्रेस बार होता क्या है, जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दिखा रहा है कि मैं अभी डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में हूँ। सेम चीज़ आपको यहाँ टाइटल बार पे भी दिखाई दे रही है। अच्छा चलिए, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है कि अब आप ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में हैं और यहाँ पे यही चीज एड्रेस बार पे भी जाहिर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लिक किया म्यूजिक में, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा है कि आप म्यूजिक में हैं। और अब यहाँ पे कुछ शो हो रहा है सी यूजर्स राशिद अली लैपटॉप म्यूजिक, ठीक है, कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स में ऐसा शो क्यों नहीं हो रहा, और ये इधर क्यों शो हो रहा है, अब इधर भी शो हो रहा है, सही है ना। एड्रेस बार का बेसिकली काम क्या है, एड्रेस बार डिस्प्ले कंप्लीट पाथ ऑफ फोल्डर, डिस्प्ले कंप्लीट पाथ ऑफ फोल्डर, किसी भी फोल्डर का कंप्लीट पाथ दिखाएगा कि कहाँ पे ये सेव है। अब ये जहां पर भी सेव है उसको आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये सेव है सी ड्राइव में जाके, यूजर्स में जाके, राशिद अली लैपटॉप के फोल्डर में जाके, वन ड्राइव में जाके, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब बता तो इसने दिया, क्या मुझे ये समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो ये सी ड्राइव क्या होता है? देखें, हमारे कंप्यूटर में एक एरिया होता है, इसको हम यहाँ सर्च करते हैं, जिसका नाम है दिस पीसी। दिस पीसी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर स्टोरेज मीडिया, मतलब हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, रोम, यूएसबी, व्हाटएवर। फिर आप इसके जो पार्टीशंस होते हैं, जो पोर्शंस होते हैं, वो सी ड्राइव और डी ड्राइव के नाम से पहचाने जाते हैं। सी ड्राइव बेसिकली होल्ड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर। यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंस्टॉल्ड है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर। और इसके अलावा दीगर प्रोग्राम्स जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, ये सारी एप्स, ये सब इंस्टॉल्ड हैं, यानी कि इन फोल्डर्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? वेयर आर द एप्स इंस्टॉल्ड इन दिस फोल्डर, वेयर आर द विंडोज इंस्टॉल्ड इन दिस फोल्डर, वेयर आर द यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर डेटा इंस्टॉल्ड इन दिस फोल्डर। बाकी ये दीगर फोल्डर्स हैं जो हमने इसमें बना रखे हैं, और उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि आपको मैंने कहा था सी ड्राइव में जाके, तो ये आ गए हम यहाँ पे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यूजर्स, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर देखें राशिद अली लैपटॉप का, और यहां से आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यारा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और डॉक्यूमेंट्स के बाहर दूसरा एक और आ रहा होगा इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स कहीं आ रहा है वो था उसके अंदर, वन ड्राइव के अंदर, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये देखें ये आ गया पूरा पाथ वो जो वहां पे दिखा रहा था। सही है। तो बेसिकली यहां पर ये जो ऐसे नजर आ रहा है इसको फिर हम क्या कहेंगे, अगर ये ओरिजिनल फोल्डर इतनी अंदर जाके है, सी में जाके, यूजर्स में जाके, राशिद अली लैपटॉप में जाके, वन ड्राइव में जाके, डॉक्यूमेंट्स में, तो यहां पे ये जो इसका नजर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, क्या शॉर्टकट, शॉर्टकट है ना ये इसका भाई। अगर डॉक्यूमेंट्स इतनी डीप में है और मैं यहां से क्लिक करके उसके अंदर चला जाता हूं, तो हमने पढ़ा था शॉर्टकट के बारे में, तो ये उसका क्या कहलाएगा, शॉर्टकट। समझ में? तो ये सारे क्या हैं, सारे शॉर्टकट्स हैं बेसिकली। ये फोल्डर जहां सेव हो रहे हैं वो लोकेशन शो करेगा आपको एड्रेस बार। ये देखिए अभी मैं यहां क्लिक करता हूं इस फोल्डर की लोकेशन, ओरिजिनल फोल्डर ये सेव है सी में जाकर, यूजर्स में जाकर, राशिद अली लैपटॉप में जाके, इंटेल यहां पर। अब सी में जाने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले आप कहां जाएंगे, एक्सीलेंट, देन कहां जाएंगे, फिर और उसके बाद इंटेल। अगर आपने इसको यहां से डिलीट कर दिया तो वहां शॉर्टकट से भी फारिग हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दिस पीसी से हम और क्या कर सकते हैं, दिस पीसी से हम यूएसबी को एक्सेस कर सकते हैं, दिस पीसी से हम अपनी सीडी डीवीडी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल, जो भी चीज आप कनेक्ट करेंगे वो अपना स्टेटस कहाँ शो करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ गई? तो दिस पीसी विंडोज 10 में वो एरिया है जहां पर हम अपने हार्ड डिस्क की ड्राइव्स, जो मे बी सी और डी, ई, एफ, वॉट एवर, जो भी लेटर के साथ वो असाइन होके में नजर आ रही होगी। इसके अलावा डीवीडी, इसके अलावा यूएसबी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल, वॉट एवर, जो भी हम कनेक्ट करेंगे वो स्टेटस यहाँ पर अपना शो करेगा, और उसके अंदर के कंटेंट्स को, डेटा को हम यहाँ से क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, तो आपको समझ में आया एड्रेस बार का क्या काम है और टाइटल बार का क्या काम है। टाइटल बार आपको उस एरिया की, उस एरिया का नाम बताएगा वेयर यू आर। ठीक है, अब आ जाते हैं होम पे। होम में आने के बाद यहां पे देखिए डिफरेंट फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। सही है। अब ये जो डिफरेंट फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए आप इसको इस तरह से भी राइट बटन दबा के कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। सही है। एक और तरीका भी है, यहां पे क्लिक करके किसी भी फोल्डर के साथ आप यहां से भी देखें उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? डिलीट करने पे वो चला जाएगा रिसाइकल बिन के अंदर, और परमानेंट डिलीट से वो रिसाइकल बिन को भी क्रॉस कर जाएगा। रीनेम यहां से भी किया जा सकता है, और एक नया फोल्डर यहां से भी बनाया जा सकता है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, इसके अलावा कॉपी यहां से भी किया जा सकता है, पेस्ट यहां से भी किया जा सकता है, कट यहां से भी किया जा सकता है। अब आ रहा है कॉपी पाथ। कॉपी पाथ क्या कॉपी होगा, अभी हम पाथ, पाथ कॉपी हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो पूरा पाथ है इसका, ये जो इसका पूरा पाथ है इसका, ये कॉपी हो जाएगा। मतलब जिस फोल्डर का भी आप पाथ कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसे कि इस फोल्डर का पाथ कॉपी करना चाह रहे हैं, तो कॉपी पाथ। अब उस पाथ को हम कहाँ पेस्ट करें, चलें हम इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। ये लिखा आ गया इसका पाथ। तो आप पूछेंगे नहीं सर इस पाथ को कॉपी करने का फायदा क्या है,
किसको भेजेंगे? तो हमारे कंप्यूटर में भेज देंगे, तो उससे क्या फर्क जी? सर्च करने के लिए, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लिया और इसको बंद कर दिया। अब देखें मैं उस फोल्डर को एक्सेस कैसे करूंगा? विंडोज का बटन दबा के रखूंगा, होल्ड करूंगा और आर का बटन दबाऊंगा, रन डायलॉग बॉक्स आएगा, पेस्ट की शॉर्ट की आपको पता है, कंट्रोल वी दबाऊंगा, ओके करूंगा, फोल्डर खुल जाएगा। ये देखिए, दोबारा देखें, ये वाला फोल्डर है, इसका पाथ ये लिखा आ रहा है। तो मैं यहां पे क्लिक करके कंट्रोल सी करके कॉपी करूं, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं यहां पे क्लिक करके कॉपी पाथ करूं, विंडोज आर दबाऊं, कंट्रोल वी करूं, पेस्ट करूं, ओके करूं, ये फोल्डर खुल गया। और किसी को बताना है तो भी आसान है। बात समझ में आई? इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं पेस्ट शॉर्टकट। वो तो पता ही है कि अगर आप कॉपी करके डायरेक्टली कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल फोल्डर पेस्ट होगा, और शॉर्टकट पेस्ट करना होगा तो शॉर्टकट पेस्ट होगा। मतलब इस वाले फोल्डर का कॉपी करके शॉर्टकट में पेस्ट करना चाहता हूं एक दूसरे फोल्डर में जो ये वाला है, तो इसमें जाके मैं कर दूंगा पेस्ट शॉर्टकट, तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा। पहले कॉपी फिर पेस्ट, और यहां से डिलीट करना है। पेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट करेगा, और पेस्ट शॉर्टकट करेंगे तो उसका शॉर्टकट बना देगा। ठीक है, न्यू फोल्डर भी समझ में आ गया। अब ये कॉपी टू और मूव टू क्या है? ये कॉपी और पेस्ट कमांड का थोड़ा एडवांस वर्जन बना दिया, कॉपी और पेस्ट कमांड का थोड़ा सा। अब ये कैसे एडवांस है इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है CSS, और यहाँ पर और नीचे आते हैं कोई छोटा फोल्डर देखते हैं, जॉब्स के नाम से एक फोल्डर है, इसमें डेटा कम है। ठीक है, अब इस जॉब्स के फोल्डर को मुझे कॉपी करना है। लेट सपोज डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है मेरा कमर के नाम से, इसमें तो लीगल प्रोसीजर है, कॉपी करूं उधर जाके पेस्ट करूं। एडवांस ऑप्शन क्या कहता है? एडवांस ऑप्शन ये कहता है यहां क्लिक करो और इसको क्या करोगे, कॉपी टू, कॉपी टू के नीचे जितने भी फोल्डर बने हुए हैं वो सारे यहां नजर आ रहे हैं। अब ये बता रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने फोल्डर है वो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अगर इनमें से किसी फोल्डर में कॉपी करना है तो क्लिक कर दो, और जो तुम्हारा कमर वाला फोल्डर है वो यहां नजर आ रहा है, और यहां से उस पर क्या करेंगे, क्लिक। तो विदाउट कॉपी एंड पेस्ट ये उधर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर नहीं हो, कॉपी हो गया, देख लिया आपने। अब सिमिलरली मुझे कमर का फोल्डर ट्रांसफर करना है जॉब्स के अंदर। अब इसको कैसे करें? यहां पे तो ऐसे ही होगा, कट करके वहां जाके पेस्ट करेंगे। ये तो वहां पॉसिबल है जहां पर मुझे ये रिबन नजर आएगा, सही है। अब लेट सपोज नीचे आते हैं, लैपटॉप का फोल्डर मुझे ट्रांसफर करना है कमर के अंदर, मूव टू कमर, देखें विदाउट कट पेस्ट ये ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, राइट बटन, अंडू मूव। अब अंडू मूव यहां भी आ रहा है, जो अभी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था मूव का था, अंडू मूव यहां भी आ रहा है, और यहां पे देखें ऊपर भी ये एक्टिवेट हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में, ये वाला आइकन नोट कर लें। मैं यहां क्लिक करूंगा तो भी वही काम होगा, और वहां से अंडू मूव करूंगा तो भी वही काम होगा। अंडू से होता क्या है, कंट्रोल जेड भी कर लेंगे तो ये होगा। जैसे ही क्लिक किया अंडू के ऊपर, तो ये जो हमारा एक्शन हमने परफॉर्म किया था वो रिवर्स हो गया। क्या हो गया? वहां से मूव होके इधर आया था, वापस चला गया। तो इस तरह से भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। न्यू फोल्डर का ऑप्शन यहां भी आ रहा है, न्यू फोल्डर का ऑप्शन यहां भी आ रहा है, ये देखें प्रॉपर्टीज, और ये आ रहा है न्यू फोल्डर, यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए सारे ऑप्शंस। अब पिन टू क्विक क्या है? पिन टू क्विक, पिन टू स्टार्ट समझा था, पिन टू टास्क बार समझा था, पिन टू क्विक क्या है? पिन टू क्विक ये है कि भाई जैसे अभी आप फोल्डर खोल रहे हैं, उस फोल्डर में एक ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पे क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस में कुछ शॉर्टकट सेट करा दें, मतलब जल्दी से मैं उनको एक्सेस कर लूं। एक मेरा फोल्डर है, मैं उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली उसको इस्तेमाल करता हूं, तो कैसे करूं उसको एक्सेस, कैसे करूंगा? भाई यहां से डॉक्यूमेंट्स में गया और वो फोल्डर ये वाला है, ब्लॉग वाला, ब्लॉग में जाके मैंने कहा, ओपन किया, अब ये तो पिन टू क्विक एक्सेस हो गया। अब कभी भी कोई भी फोल्डर आप खोलेंगे वो आपको क्विक एक्सेस में नजर आने वाला है, और डायरेक्टली आप ब्लॉग में चले गए।
बात समझ में आई? तो इस तरह से अपने मोस्ट रीसेंट फोल्डर, मोस्ट यूजेबल फोल्डर्स को आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं। अब यहां से रिलीज करना है, राइट बटन और पढ़ें, अनपिन लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है, रिलीज हो गया। बात समझ में आई है नहीं आई है? आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक चीज है जिसको न्यू आइटम कह रहे हैं। ये न्यू आइटम वही है, राइट बटन दबा के न्यू में गए थे, ये सारे यहां नजर आ रहे हैं, जो चीज बनानी है वही आ रहे हैं। फोल्डर, शॉर्टकट, नोटपैड की फाइल, वर्डपैड की फाइल, जो भी फाइल्स आपने क्रिएट कर। अच्छा, इसको अभी रहने दें। प्रॉपर्टीज, किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज आप इस तरह खोलते हैं, सिमिलरली यहां पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं। फिर उसमें हिडन करना है जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था वो कर सकते। हिस्ट्री, हिस्ट्री तो पता है भाई, लास्ट टाइम जो भी मैंने ऑफ कर रखी हिस्ट्री आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो यह नजर आएगी, मैंने हिस्ट्री ऑफ कर दिया है कि नहीं मेंटेन करें। हिस्ट्री में ये होगा कि भाई कह रहा है ना टर्न ऑफ है, आप चाहें तो उसको ऑन कर लें। हिस्ट्री का ये होगा, ऑन ऑन ऑफ करने का भी बता रहा है, यहाँ जाके ऑन करनी पड़ेगी, कि जो भी एक्टिविटी मैं अपने लैपटॉप पे परफॉर्म करूंगा वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो बोल गया, खामोश होके बैठे, ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? ठीक, हिस्ट्री के आगे चलते हैं। सिलेक्ट ऑल, अब मैं इधर आ गया इस फोल्डर में, जैसे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया सारा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से सिलेक्ट नन किया तो सब डीसेलेक्ट हो गया। अब सवाल आता है एक, इसको छोड़ के सब सिलेक्ट हो जाए, शाबाश, इसको छोड़ के सब सिलेक्ट हो जाए तो इस पर क्लिक करेंगे और इनवर्ट सिलेक्शन कर देंगे, इसको छोड़ के सारे सिलेक्ट हो गए, सही है। और भी छोड़ने हो तो कंट्रोल का बटन होल्ड कर ले और क्लिक करते जाए उनपे, अब फिर वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। इसी काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे, जो जो सिलेक्ट करने हैं कंट्रोल का बटन होल्ड करें, क्लिक करते जाएं, सही है, ये चार सिलेक्ट हो गए। अब ये चार छोड़ के सारे सिलेक्ट करने हैं तो इनवर्ट, फिर आपकी मर्जी है, कॉपी करें, पेस्ट करें, कट करें, डिलीट करें, रीनेम करें, वट एवर यू वॉन्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी चीज करेंगे फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। एक फोल्डर है उसमें काफी सारी फाइल्स हैं, सही है, उन फाइल्स के डिफरेंट नाम हैं, छोटे बड़े आगे पीछे हो सकते हैं। आपने डिसाइड किया कि सबके नाम एक सीक्वेंस में रख दूं, किसमें रख दूं, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कैसे हो सकता है, जैसे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री, कंप्यूटर फोर, सही है, माई फाइल वन, माई फाइल टू, माई फाइल थ्री, मतलब कोई भी एक टैग हो लेकिन उसके आगे ऑर्डर में हो जाए। कैसे करेंगे मोहित? हाँ भाई, जितनी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उसमें से सबसे टॉप वाली फाइल पे राइट बटन दबाएंगे या फिर यहां से रीनेम करेंगे, और जो हम टैग लगाना चाहते हैं, जो हम टैग लगाना चाहते हैं वो टैग लिखेंगे, सही है, और क्या करेंगे, कर दिया इसने, सोशल मीडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं समझ में आया तो है नहीं ना दसवीं फाइल, हाँ बना के फिर हम सबको कर देंगे। इस तरह से आप तमाम तर फाइल्स को एक साथ राइट बटन दबा के एक टैग लगाएंगे और इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसको अरेंज ये खुद कर देगा। हाँ, डेटा सेव रहे, हाँ सिलेक्ट सबको करना है, पहली वाली को करेंगे तो नीचे वाली, ठीक है, ये समझ में आ गई बात ये है।